हे गाइस, तो क्या चल रहा है। मैं आ चुका हूँ गेटिंग ओवर इट में और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जी हाँ, मैंने पहले गिरा था, मुझे याद है, मुझे पक्का याद है, मुझे पता है कि मैं वहाँ गिरा था। लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चढ़ा था उसके बाद ऑफ कैमरा। ओ आराम से आ गया, देखा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, बिल्कुल ईजी था ये वाला चीज़। संतरे को दोबारा हटाने का टाइम आ गया। संतरे तू निकल यहाँ से। हल्का से पुश कर रहा है, हल्का से, है ना। अबे व्हाट, अबे क्या हुआ, अबे नहीं, क्या वो, अबे क्या, भाई वो अपने से हिल, अबे कैसे, क्या क्या तेल लग गया था क्या भाई उसमें, अबे तेल लग गया था क्या हैमर में भाई, वहां पर अटक गया था, रखा गया था, ऐसे लगता है जबरदस्ती कोई खींच के मेरे को गिरा दिया, ऐसा हुआ भाई। क्या है भाई, ऐसा नहीं कि मैं गलत जंप लिया, जंप बिल्कुल सही था, तुमने भी देखा जंप बिल्कुल सही था। उसके बाद मैंने वहां पत्थर में रखा, वो भी सही था, है ना, उस वो भी सही था। उसके बाद वो अपने घिसाने लगा, ऐसा लगता मेरे को कोई टान रहा है भाई। अबे ये कैसा, क्या है भाई, ये क्या गेम है। यहाँ पर वापस आते हुए, और इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं उस टाइम बढ़िया जंप था, जंप में कोई दिक्कत नहीं था, जंप में कोई दिक्कत नहीं था, बस हल्का से जंप करके। अबे दोबारा मुद्दा, अबे नहीं, व्हाट द फक ब्रो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता अगर दोबारा नीचे नीचे नहीं जाना था मेरे को, बस इतना बता रहा हूँ मैं, नीचे नहीं जाना, तेरा टकला फोड़ दूंगा मैं। चलो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, किसको किसको फाइव नाइट्स एट फ्रेडी में डर लगता है, सही सही बताना, सही बताना, क्योंकि वो गेम डरावना बिल्कुल तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला दूसरा दिन, पहला टाइम खेल तो लगता है, दूसरा टाइम भी लगता है, लेकिन वो डरावना नहीं होता भाई, वो एक टेंस होता है। ये दैट्स अ एक्चुअल फक मैन। हाँ तो मैं कह रहा था कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडी जो है वो एक हॉरर गेम नहीं है, वो एक टेंस इंटेंस गेम है। मतलब कि तुमको उसमें ज़्यादा अपना रिफ्लेक्स दिखाना पड़ता है। देखो अभी तक मैंने जो जितना खेला मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइव में ही वैसी है, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी वन भी वैसी है और टू भी वैसी है, है ना, टू भी वैसी है पूरा लगभग, क्योंकि वो स्केरी है। हाँ जंप स्केयर बढ़िया बढ़िया है, आदमी डर सकता है, लेकिन तुम बोल सकते हो कि वो स्केरी है ना भाई, तुम बढ़िया बढ़िया गेम खेलो। मैं व्हाट द फक ब्रो, नहीं यार क्यों गिर गया भाई साहब, भाई यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है भाई साहब, मेरे को क्या बोलूं मैं अब, मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके खेल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं लगभग 15 मिनट से वो वाले पार्ट में अटका पड़ा हूँ जब पत्थर में पहुँचा जाता है भाई, वो वाला रास्ते में 15-20 मिनट से मैं अटका हुआ वहाँ पर, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। जैसे मैंने गिरने लगा मैं रिकॉर्डिंग चालू कर, व्हाट द क्यों भाई साहब, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और वैसे ही गिर गया भाई। हाँ अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, अगर तुम लोग क्या करते, अगर तुम लोग मेरी जगह होते, अगर तुम लोग इतनी बार गिरते तो क्या तुम लोग ये गेम दोबारा खेलते। अबे अबे क्या भाई साहब, क्या तुम दिमाग खराब करता है। अबे नहीं यार, ओके फिर से वही चीज़ हुआ दोबारा, मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ, रोऊँ, गुस्सा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से वही करना पड़ेगा, वीडियो एंड होते हुए यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, क्यों भाई साहब। ओके तो ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।